आप स्टूडेंट टू गायत्री विद्या मंदिर क्लास सिक्स सब्जेक्ट मैथ टॉपिक थर्ड हॉल नंबर्स। सो स्टूडेंट टुडे आवर न्यू टॉपिक इज स्टार्टिंग चैप्टर थर्ड हॉल नंबर्स। पूर्ण संख्याओं के बारे में आज हम सीखेंगे। वी काउंट टू सेवरल थिंग्स डेली। हम प्रतिदिन कई चीज़ों को काउंट करते हैं। लाइक यू हैव थ्री फ्रेंड्स, जैसे कि तुम्हारे थ्री फ्रेंड्स हैं। सिक्स काउज आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। छः गाय हैं वो ग्रेज कर रही है, चारा चर रही है फील्ड में। 25 स्टूडेंट्स इन द क्लास, 25 स्टूडेंट्स क्लासरूम में। तो इस प्रकार से हम कई चीज़ें दिन प्रतिदिन की जिंदगी में काउंट करते हैं। मैन हैज़ स्टार्टेड काउंटिंग थाउजेंड्स ईयर अगो। इंसान ने थाउजेंड ईयर्स अगो, हजारों साल पहले काउंटिंग करना स्टार्ट किया था। वी ऑलवेज स्टार्ट काउंटिंग बाई नंबर वन। हम हमेशा जो काउंटिंग है वो नंबर वन से स्टार्ट करते हैं। वी कैन काउंट अप टू हाउ मच। हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? अब देखिए, ये एक प्रश्न है कि हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं। हमने हजारों साल पहले काउंटिंग करना स्टार्ट कर लिया था। हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ काउंट करते रहते हैं, लेकिन वी कैन काउंट अप टू हाउ मच, लेकिन हम कहाँ तक काउंट कर सकते हैं? अब यहाँ पे एक रमेश है, वो कहता है अप टू हंड्रेड, कि हम तो हंड्रेड तक काउंट कर सकते हैं। फिर सीमा कहती है वाई वी हैव द नंबर 101 आफ्टर 100। तो क्यों हमारे पास 100 के बाद 101 है, ऐसा सीमा कहती है। मतलब कि रमेश ने कहा कि ओनली 100 तक हम काउंट कर सकते हैं, जबकि सीमा तो कहती है कि 100 के बाद 101 भी आता है। रमेश वॉज काउंटिंग हिमसेल्फ। अब रमेश मन ही मन में काउंट कर रहा था एंड थॉट दैट देर आर 200, 300 आफ्टर 100। और उसने सोचा कि 100 के बाद तो 200 भी आता है, 300 भी आता है एंड सो ऑन 400, 500। सो कई नंबर्स आते हैं। देन ही सेड अप टू 1000। फिर उसने सोचा कि हाँ, हम लास्ट 1000 तक काउंट कर सकते हैं। फिर सीमा कहती है बट वी हैव 2000, 3000, 4000 एंड आफ्टर 1000। फिर सीमा कहती है कि नहीं, 1000 के बाद तो 2000, 3000, 4000, इस प्रकार की काउंटिंग भी तो आती है। यानी 1000 के बाद 1001, 1002, 1003, तो काउंटिंग है वो इस प्रकार से चलती रहती है। रमेश स्टार्टेड थिंकिंग अगेन। फिर रमेश और सोचने लगा अबाउट द ग्रेटेस्ट नंबर बट देन गेट पजल्ड, कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। रमेश सोच रहा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है, लेकिन वो पजल्ड हो गया, उसका दिमाग चकरा गया, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा हो सकता है। फिर रमेश कहता है ओके प्लीज यू टेल अस अप टू विच नंबर कैन वी काउंट। अब चलो तुम ही बता दो मुझे कि कहाँ तक हम काउंट कर सकते हैं। सीमा कहती है यस आई एम आल्सो थिंकिंग। सीमा कहती है हाँ, मैं भी सोच रही हूँ, बट इवन आई डोंट नो द लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर, लेकिन मुझे खुद को ही पता नहीं है कि लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, लास्ट का जो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो मुझे भी पता नहीं है। वी स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द नंबर वन। हम वन से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, हैंस वन इज़ द फर्स्ट नेचुरल नंबर। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वन है वो पहला नेचुरल नंबर है, फर्स्ट प्राकृत संख्या है। नेक्स्ट नेचुरल नंबर इज टू, विच वी गेट एज अ रिजल्ट ऑफ एडिंग वन टू वन। और नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर है वो टू है, जो हम वन प्लस वन करके प्राप्त करते हैं। वन प्लस वन इक्वल टू टू। थ्री, वेन वी एड नेचुरल नंबर विच इज कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस। थ्री, वेन वी एड वन टू टू। अब थ्री बनता है जब हम वन में टू को ऐड करते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है कि नंबर में जब वन वन हम ऐड करते जाते हैं तो आगे वाली संख्या बनती रहती है। दिस इज द थर्ड नेचुरल नंबर, जो क्या है, तीसरी नेचुरल नंबर है। एक्चुअली बाय एडिंग वन वी गेट द नेक्स्ट नेचुरल नंबर। वास्तव में क्या होता है कि जब हम वन को संख्या में ऐड करते हैं तो आगे वाली संख्या बनती है। जैसे वन में वन ऐड किया तो टू बन गई, अब टू में और वन ऐड किया तो थ्री बन गया, थ्री में वन ऐड किया तो फोर बन गया। तो ऐसे हम जब वन वन नंबर ऐड करते रहते हैं तो नेक्स्ट वाला नंबर बनता रहता है, विच इज़ कॉल्ड सक्सेसर ऑफ द प्रीवियस नंबर,
जो कि प्रीवियस नंबर का सक्सेसर कहलाता है। थस 99+1=100 इज द सक्सेसर ऑफ 99। इसी प्रकार जब हम 99 में 1 ऐड करते तो 100 बनते हैं, और 100 क्या है, 99 का सक्सेसर नंबर कहलाता है। हैंस द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज अ ग्रुप विच इज इंक्रीज्ड बाय 1 by 1। सो क्या नेचुरल नंबर एक ऐसे नंबर्स का समूह है जो 1 को ऐड करने से बनता है, किसी भी नंबर में 1 ऐड करने से बनता है। इफ समवन आस्क्ड यू दैट हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर, अगर कोई तुमसे पूछे कि कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं, कैन यू टेल अस बाय काउंटिंग, क्या तुम काउंट करके बता सकते हो कि कितने नेचुरल नंबर होते हैं? परहैप्स नो, नहीं हम नहीं बता सकते। इफ वी काउंट 1, 2, 3 सो ऑन, 100, 101 एंड सो ऑन, 999, 1001, देन वेयर विल इट एंड। अब इस प्रकार से हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1, 2, 3 एंड काउंट करते रहते हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि हम कहाँ पे काउंटिंग को एंड करें, ख़त्म कहाँ पे करें, क्योंकि काउंटिंग तो क्या चलती रहती है ना। नो नेचुरल नंबर आर इन्फिनिट, कोई भी नेचुरल नंबर जो है वो फिक्स्ड नहीं है। विच इज रिप्रेजेंटेड बाई ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इज डिनोटेड बाई एन, और जो नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, जो सिंबल यूज में लिया जाता है, उसे कहते हैं एन, क्योंकि नेचुरल नंबर की स्पेलिंग एन से स्टार्ट होती है ना, इसलिए एन को सिंबल दिया गया है। देयरफॉर एन इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, एंड इट्स गोज ऑन, और कहाँ पर फिनिश होते हैं, इट इज एंडलेस। प्रॉपर्टीज ऑफ नेचुरल नंबर्स, अब नेचुरल नंबर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है वो हम देखते हैं। फर्स्ट है द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज 1, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या है, 1 है, जो हमें पता है। वी गेट नेक्स्ट नेचुरल नंबर बाई एडिंग 1 टू द नेचुरल नंबर, हम अगला नेचुरल नंबर प्राप्त करते हैं जब हम किसी नेचुरल नंबर में 1 ऐड करते हैं, सच एज 18+1=19, जैसे कि 18+1 करते तो 19 हो जाता है, ठीक है। तो 18 क्या एक नेचुरल नंबर है, इसमें हम 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या बन रहा है, 19 बन रहा है। एक्सेप्ट 1, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम ईच नेचुरल नंबर वी गेट इट प्रेडिक्टर सच एज 18-1=17। और इसी प्रकार से जब हम किसी नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नंबर हमें मिलता है उसे हम कहते हैं प्रेडिक्टर, जैसे कि 18 एक नेचुरल नंबर है, 18 में से हमने 1 सब्ट्रैक्ट किया और हमें क्या मिला, 17, और 17 को क्या कहा जाएगा, प्रेडिक्टर। ओके एक्सेप्ट 1, लेकिन 1 जो है उसमें से नहीं, क्योंकि 1 को हम 1 से सब्ट्रैक्ट करते तो 0 आ जाता है, और 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर आर इन्फिनिट, नेचुरल नंबर है वो अनंत होते हैं। देयरफोर वी कैन नॉट राइट द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, इसलिए जो है हम लार्जेस्ट नेचुरल नंबर को नहीं लिख सकते। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 वी गेट 0। सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, जब हम 1 को 1 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, 1, यानी 1 में से जब हम 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं वी गेट 0, हमें 0 मिलता है, विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, जो कि नेचुरल नंबर नहीं है, तो वो कौन सा नंबर है, तो हम देखते हैं हॉल नंबर्स। अब हम पढ़ते हैं हॉल नंबर्स क्या होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल नंबर्स, ये जो ब्लैंक्स दे रखे हैं उनको हमें फिल करना है। देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर दे रखा है, ओके, बीच में नेचुरल नंबर दे रखे हैं, और उसके साइड में दे रखा है प्रेडेसर्स नंबर्स, और यहाँ पे दे रखे हैं सक्सेसर नंबर्स। प्रेडेसर नंबर यानी नेचुरल नंबर में से जब हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं जो नंबर आता है उसे कहते हैं प्रेडेसर नंबर्स, और नेचुरल नंबर में जब हम 1 नंबर ऐड करते हैं तो उसे कहते हैं सक्सेसर नंबर। यहाँ पे 1 एग्जांपल दे लेते हैं, देखो यहाँ पे 13 है, अब 13-1 किया तो क्या आ गया, 12 क्या है, प्रेडेसर। ओके इसी प्रकार के से 13 में जब हम 1 ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, 14, और 14 क्या कहलाता है, सक्सेसर नंबर। एंड सेम वे आपको जो है नेक्स्ट नंबर के भी फाइंड आउट करने की, नेक्स्ट नंबर के प्रेडेसर क्या होंगे और सक्सेसर क्या होंगे, यह टेबल आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करनी है। ओके
नेक्स्ट हम आगे समझते हैं. विच नंबर डज नॉट हैव एनी नेचुरल प्रेडिसेक्टर नंबर्स. ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका कोई भी नेचुरल प्रेडिसेक्टर नहीं है. देर इज नो नेचुरल नंबर ऑफ नंबर वन. अब नंबर वन का कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. वी टेक ज़ीरो एज द प्रेडिक्टर ऑफ वन. हम ज़ीरो को लेते हैं एज ए प्रेडिक्टर ऑफ वन. यानी वन में से वन हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तब कितना आता है, ज़ीरो आता है. पर ज़ीरो जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है. वैन वी एड इट टू द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर इट बिकम्स अ न्यू ग्रुप. अब देखिए, जब हम नेचुरल नंबर में ज़ीरो को जोड़ देते हैं तब एक नया ग्रुप बनता है. दिस इज़ कॉल्ड अ ग्रुप ऑफ होल नंबर. जिसे क्या कहा जाता है, होल नंबर का ग्रुप कहा जाता है. इट इज़ डिनोटेड बाय W, जिसे हम W से लिखते हैं. हैंस W इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन. ओके, सो ज़ीरो से अगर कोई नंबर स्टार्ट होता है तो उन नंबर्स को हम क्या कहते हैं, होल नंबर्स कहते हैं. एंड वन से अगर नंबर स्टार्ट होता है तो उन नंबर्स को क्या कहा जाता है, उन नंबर्स को नेचुरल नंबर कहा. देखिए यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, उसको हम समझते हैं. योर फादर बॉट 6 बनानास. अब आपके जो फादर है वो 6 बनानास लेके आते हैं. देर आर 6 मेंबर्स इन द फैमिली. और आपके फैमिली में भी 6 मेंबर्स हैं. एवरीवन एट 1 बनाना ईच. और सभी ने एक एक बनाना खाया. ना हाउ मेनी बनानास आर लेफ्ट. अब कितने बनाना लेफ्ट हुए. ठीक है, आपके फादर ने 6 बनानास लाए, आपके फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, प्रत्येक ने 1-1 बनाना खाया, तो कितने बनानास लेफ्ट हुए, एक भी नहीं क्योंकि सभी ने ये 1-1 लिया. यू विल से नन, यानी कुछ भी नहीं बचा. 5 बर्ड्स वेर सिटिंग ऑन ए ट्री. 5 बर्ड्स थे जो ट्री पर बैठे थे. ऑल बर्ड्स फ्लू 1 by 1. सभी जो बर्ड्स हैं वो एक एक करके उड़ गए. सो नाउ हाउ मेनी आर लेफ्ट. अब कितने बचे, यू विल से नन, क्योंकि जो 5 बर्ड्स बैठे थे वो एक एक करके उड़ गए तो कोई भी बर्ड्स नहीं बचा. थिंक अबाउट इट. अब इसके बारे में सोचिए, 6 - 6 इज इक्वल टू 6 में से 6 घटाएंगे कितने आएंगे, यस 0. 5 - 5 इक्वल टू 0 एंड 10 - 10 इक्वल टू 0. वॉट इज द आंसर. आंसर क्या आ रहा है, हर बार 0 ही आ रहा है. अब देखते हैं कि होल नंबर्स को किस प्रकार से नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते हैं. रिप्रेजेंटिंग होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. टू रिप्रेजेंट होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन. इसके लिए हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, जैसे कि यहाँ पे ड्रॉ की हुई है. विच हैज़ मेनी मार्क्स और इक्वल डिस्टेंस. अब इक्वल डिस्टेंस पे कुछ मार्क किए गए हैं. देखिए, जैसे कि ये नंबर लाइन ड्रॉ की गई है, इस पर मार्क्स किए गए हैं, सारे इक्वल डिस्टेंस पे हैं. शो द इनिशियल पॉइंट बाय 0. अब इनिशियल पॉइंट यानी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 से स्टार्ट होता है. राइट 1, 2, 3 एक्सेट्रा ऑन द राइट साइड ऑफ 0. अब 1, 2, 3, 4 स्टार्ट करने हैं 0 के राइट साइड से. लुकिंग एट द नंबर लाइन कैन यू टेल विच नंबर इज बिगर. अब नंबर लाइन को देखते हुए आप बता सकते हैं कि कौन सा नंबर बिगर है. यहाँ पे तो नज़र आ रहा है 10 बिग है, लेकिन देखिए ये एरो जो है कंटिन्यू को बताता है, कंटिन्यू को बता रहा है, मतलब आगे जो नंबर आएंगे 11, 12, 13, 14 एंड सो ऑन. फॉर दिस थिंग वेदर अ नंबर ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ एन अदर नंबर विल बी द ग्रेटर और स्मॉलर. अब सोचना है कि लेफ्ट साइड के जो नंबर है वो बिगर होंगे या स्मॉलर होंगे. देखिए ये जैसे कि 4 नंबर है, 4 के इस साइड वाले जो नंबर है वो 4 से स्मॉल कहलाएंगे एंड 4 के इस साइड जो नंबर है वो सारे बिग नंबर कहलाएंगे. सो इस प्रकार से हम कहेंगे जो नंबर लाइन के राइट साइड में जो नंबर होंगे वो क्या कहलाएंगे, सॉरी लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो स्मॉलर नंबर होंगे और राइट साइड में जो नंबर है वो बिगर नंबर होंगे. सो इस प्रकार से हमने कुछ डिस्कशन किया नेचुरल नंबर्स के बारे में एंड होल नंबर्स के बारे में. सो आपका जो होमवर्क है वो आपको ये जो टेबल है वो कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू.